हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं आज की रेसिपी आपके साथ पिज्ज़ा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, मैं आज बिना चीज़ का पिज्ज़ा बनाकर बताऊंगी आपको, बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने पिज़्ज़ा बनाने के लिए 500 ग्राम मैदा लिया है। इस मैदे को हम एक बड़ी सी थाल में निकाल लेंगे फ्रेंड्स, जिसमें हम आटा गूंथते हैं उसी में हम इसको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें आटा लगाने के लिए मैं इसमें हाफ कप ऑयल ऐड करूंगी। मैं इसमें कुछ चीज़ें यूज़ करूंगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर से लीजिएगा पिज़्ज़ा बनाने के डो में। इसमें मैं 2 टेबलस्पून चीनी ले रही हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, चीनी से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, और जो हम पिज़्ज़ा का बेस होता है फ्रेंड्स, उसमें ये चीनी यूज़ करते हैं, बाजार वाले भी, बिक्री वाले भी, असल में आप ज़रूर से यूज़ कीजिएगा। मेरी रेसिपी को पूरा फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, और जब भी आपको पिज़्ज़ा बनाना आएगा परफेक्ट तरीके से, अगर मेरी रेसिपी को आज आपने फॉलो नहीं किया तो आपको कभी पिज़्ज़ा बनाना नहीं आएगा। तो इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून नमक, और फ्रेंड्स मैंने ये 1 कप यानी कि 25 ml मैंने दही लिया है, इसमें ऐड कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने ये होममेड दही लिया है, और थोड़ा सा खट्टे में होना चाहिए ये टच में, तो आप इस बात का खास करके ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा ये हमारा बेस बन के तैयार होगा पिज़्ज़ा के लिए। चलिए हम डो लगा के तैयार कर लेते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने शुगर का पाउडर नहीं लिया है, अगर आपके पास शुगर का पाउडर है तो वो यूज़ कर सकते हो इस स्टेज पे, अगर नहीं है तो फ्रेंड्स आप चीनी भी यूज़ कर सकते हो, जो रेगुलर चीनी होती है बस वही यूज़ कीजिएगा। आप सभी को आसान खाना सिखाना फ्रेंड्स मेरा मिशन है, आप इस रेसिपी को जरूर से फॉलो कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मैदे में मिक्स करना है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, और मैं आपको बांध कर दिखाती हूँ अच्छी तरह से बंध रहा है। इसी तरह से आपका भी ये मैदा बंधना चाहिए, तभी परफेक्ट तरीके से हमारा बेस बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे, आटा लगा कर तैयार करेंगे, इसका सॉफ्ट डो लगा कर तैयार करना है। तो मैंने 1 कप पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड कर दे जाएंगे और इसका सॉफ्ट डो लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो आटा किस तरह से हो गया है। फ्रेंड्स, हमने दही यूज़ किया है फॉर्मेंट होने के लिए, बेस के लिए बेसिकली। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, डरना नहीं है और इस रेसिपी को पूरा फुल वॉच करना है, और ये समय के हिसाब से आटा हमारा बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आपसे बोला था फ्रेंड्स, ये समय के हिसाब से आटा सेट हो जाता है। तो कितना क्लीन आटा हमारा ये बनकर तैयार है। आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे कवर करके रेस्ट पे। देख सकते हो फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट ये आटा हमने बनाकर तैयार कराया है। जैसे हम उंगली से प्रेस कर रहे हैं तो वापस ही ऊपर की तरफ उठ जा रहा है, जिसके आप देख सकते हो। इसी तरह से हमें आटा लगा कर तैयार करना है, अब इसको रख देंगे हम। सो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गई है, हमारा आटा अच्छी तरह से रेस्ट हो गया है, अब इसको हम चॉपिंग बोर्ड पे निकाल लेंगे। अब हम आटे को कुछ इस तरह से कर लेंगे फ्रेंड्स, अब इसमें से हम जितना बड़ा हमें साइज का पिज़्ज़ा चाहिए, तो फ्रेंड्स मेरा इतनी क्वांटिटी में 6 पिज़्ज़ा बनकर तैयार होंगे, तो मैं इसमें से लोइयां तोड़कर तैयार कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इतनी क्वांटिटी में भी काफ़ी सारे पिज़्ज़ा बना के तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स हम, और आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बना सकते हो। 1 लोई को हम ले लेंगे फ्रेंड्स, और इसको ऐसे गोल कर लेंगे, बॉल्स से बना लेंगे आप, जैसे कि आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, मैदा की डस्ट छिड़क लेंगे हल्की सी, और इसको हम बेल कर तैयार कर लेंगे। गोल शेप में बेलना है इसको। फ्रेंड्स, ये हमने गोल बेल कर तैयार कर लिया है बेस को, अब हम प्लेट ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये छोटी साइज की, स्मॉल साइज की जैसे कि प्लेट ली है स्टील की, और इसमें हम ये बेस को ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे, और फ्रेंड्स मैंने
बिल्कुल भी ऑयल से ग्रीस प्लेट नहीं ली थी, बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको भी। ये अच्छे से रिमूव हो जाता है बिना ऑयल के भी। सो फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे, नाइफ की हेल्प से इसमें फोक कर लेंगे। आप फोक की हेल्प से भी इसमें फोक कर सकते हो, बस कहीं कहीं फोक करना है, सब जगह मत कीजिएगा। फोक इसलिए करना है फ्रेंड्स, ये ज़्यादा फूल जाता है तो ये बैलेंस हो जाता है इससे। सो फ्रेंड्स, हमने अच्छी तरह से इसमें फोक कर लिया है जैसे कि आप देख सकते हो। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम पिज्ज़ा टॉपिंग लगाएंगे इसमें। जी, मैंने होममेड पिज्ज़ा टॉपिंग बनाई है जैसे कि आप देख सकते हो। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट करिए कि आपको ये रेसिपी चाहिए तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। स्प्रेड कर लेंगे, 2 टेबल स्पून मैं ले लूँगी पिज्ज़ा टॉपिंग को। इसको पिज्ज़ा सॉस भी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, बड़ी ही इजी रेसिपी है और फॉर बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही यूजफुल रेसिपी है। आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। ये सभी के लिए मैं रेसिपीज बना रही हूँ। देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने टॉपिंग को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है पिज्ज़ा बेस पे। अब इस क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ वेजिटेबल्स बताती हूँ जो कि मैं पिज्ज़ा बनाते में यूज़ करती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, आप जरूर से सुनिए इसको मैंने क्या क्या लिया है। तो मैंने फ्रेंड्स ऑरेंज कैरेट ली है, और ये मैंने हाफ कैबेज लिया है, और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की ऑनियन ली है, और 1 मीडियम साइज़ की मैंने कैप्सिकम ली है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको पतला पतला स्लाइसिस में लंबा लंबा कट किया है, और प्याज को भी मैंने ऐसे कट किया है जैसे कि आप देख सकते हो, और मैंने कैरेट को ऐसे छोटा छोटा कट किया है। कैबेज को आप लंबा लंबा स्लाइसिस में अपने मनपसंद शेप में इसको कट कर सकते हो। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें कैबेज ऐड करेंगे पिज्ज़ा बेस में। कैरेट, कैप्सिकम, आप इस स्टेज पे ऑलिव भी यूज कर सकते हो, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है फ्रेंड्स। बेसिकली मेरे पास खत्म हो गया था तो मैं यूज नहीं कर रही हूँ। ऑनियन, सो फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगी, ये मैंने ऑरिगेनो ली है जैसे कि आप देख सकते हो। ये इस तरह से पैकेजिंग में आती है, आप इसको यूज कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो इसमें हम ऐड कर लेंगे ऑरिगेनो। तो फ्रेंड्स, मैंने ये व्हाइट कलर के तेल होते हैं छोटे साइज के, वो ले लीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा लुक आता है पिज्जा में। तो मैं इसमें ऐड कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो, है ना इजी रेसिपी फ्रेंड्स। ये हमारा बेस तैयार है पिज्जा का। चलिए मैं आपको कुछ चीज बता देती हूँ। इधर फ्रेंड्स, मैंने क्या किया था, भगोने को गर्म होने के लिए रख दिया था, प्री हीट होने के लिए लगभग 10 मिनट्स के लिए। और ऐसे ही आपको सेम प्रोसेस करना है। और फ्रेंड्स, मैं आज आपको भगोने में पिज्ज़ा बनाना बता रही हूँ। बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है, बिल्कुल माइक्रोवेव जैसा काम करता है। सो फ्रेंड्स, हमारा भगोना प्री हीट है, तो अब हम इसमें पिज्ज़ा ऐड कर लेंगे। ध्यान से कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा गर्म है। इसको कवर कर लेंगे फ्रेंड्स, और इसको हम अराउंड 20 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रखेंगे। और इसमें हम भारी चीज़ रख देंगे। और फ्रेंड्स, आपको साथ ही एक बात का खास करके ध्यान रखना है, भगोने में से एयर बिल्कुल भी नहीं निकलनी चाहिए, तो सब जगह से इसको कवर कर लेना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कवर किया हुआ है। अब इसको 20 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं खोल के चेक करेंगे, हम इसको सिकने देंगे अच्छी तरह से। सो फ्रेंड्स, हम चेक कर लेते हैं पिज्ज़ा को। वाओ फ्रेंड्स, इसका लुक देख सकते हो आप 20 मिनट्स के बाद कितना अच्छा सा ये लग रहा है। चलिए हम इसको निकाल लेते हैं भगोने में से। सो फ्रेंड्स, हमने निकाल लिया है भगोने में से पिज्ज़ा को, जैसे कि आप देख सकते हो उसका लुक फाइनल। चलिए इसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, वाओ ये इजीली रिमूव हो जाता है प्लेट में से भी। सो फ्रेंड्स, ये कितना बढ़िया सिकर रेडी हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो उसका बेस नीचे से भी। तो ये बहुत ही टेस्टी पिज्ज़ा बनकर तैयार होता है, आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए इसको कट कर लेते हैं 4 पीसेस में, हम इसको कट करेंगे। पिज्ज़ा कटर ले लेना आप, अगर पिज्ज़ा कटर नहीं है तो आप इसको नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो, वाओ फ्रेंड्स, ये कितना यम्मी ब्यूटीफुल लग रहा है। सबसे पहले गर्मा गर्म आपके लिए पहली बाइट पिज्ज़ा की। और ये रेसिपी कैसी लगी आपको, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए कमेंट करके। ये इजी सिंपल सी रेसिपी है, ये कोई भी बना सकता है फ्रेंड्स। बेसिकली फॉर बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही यूजफुल रेसिपी है। चलिए सर्व कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप फाइनल लुक देख सकते हो, कितना ब्यूटीफुल सा कलरफुल ये पिज्ज़ा हमारा बनकर रेडी है।
आप इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हो? अगर ट्राई कर रहे हैं तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लगी आज की रेसिपी और कैसी बनी आपका ये पिज्ज़ा की रेसिपी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा एंड फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी सी रेसिपीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर फ्रेंड्स मैंने चीज़ से रिलेटेड पिज़्ज़ा की भी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। बाय बाय।